पहले तो मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं बात, मुर्शद मेरे मुर्शद तो इस वक्त बुशरा बेगम है और मैं मुर्शद के शायद आपके काबिल नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने मुर्शद इमरान खान को ईद मुबारक पेश करता हूं। मैं आपका कप्तान 2011 का वर्कर हूं और मुझे बहुत दिलचस्पी हुई है और मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूं और सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश यही थी। और खान साहब मैं सवाल भी करूंगा, मैं दिल से करूंगा, मैं उस हलके से हूं खान साहब जिस हलके से 30 साल जिस हलके को लावारिस हलका कहा जाता है, हलका 292 सरदारी निजाम 30 सालों से मुसल्लत है। खान साहब आपने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के करप्ट लोगों पर, आपने अमरीकी गुलाम अमरीकी एजेंडों पर नजर रखा है, आपने एक हलके पर नजर नहीं रखा। हमें नजरसानी करनी चाहिए खान साहब, आपने वो हलका है सरदारों का है, जागीरदारों का है, जो हमें हम वर्कर भी उनके हैं, हम वोट भी पीटीओ को दिए हुए हैं तो जेलों में भी हमें डाल रहे हैं। 25 मई को मुझे 19 दिन बहावलपुर जेल में रखा, मुझे सबसे पहले ख्वाहिश और मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं कप्तान की खातिर जेल भी हूं। और खान साहब मैं यहां तीसरा दिन मौजूद हूं, मेरा आपसे एक ही मुतालबा है, अभी इस इलेक्शन में हलका 292 में जो टिकट अभी जारी हुआ है इस टिकट पे आप नजरसानी करें। मैं आपसे वो यकीन से कहता हूं या मुझे आप यकीन से बोल दें कि 292 की जीत पीटीआई की है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं खान साहब इस बार आपने जो टिकट जारी किया है गजनफर कुरेजा आबास, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का रिहायशगाह है, वो ऑस्ट्रेलिया का रिहायशगाह है, वो मैडम एक सेकंड प्लीज खान साहब मेरी बात सुने, प्लीज इनको बोले खान साहब एक मिनट बोले खान साहब मेरी ख्वाहिश थी जो मैंने वो आपको बता दिया है, अगर आप हमें यकीन से बोले हलका 292 हम जीत जाएंगे, हम आपके साथ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हैं, हम वर्कर के साथ हैं और इंशाल्लाह आप हमें जवाब दें, लेकिन आप नजरसानी करें, आपने नजरियाती वर्कर को टिकट देना है, ये फरकुरेजा नजरियाती नहीं है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुने जरा मेरी बात, पहले तो मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं बात, मुर्शद मेरे मुर्शद तो इस वक्त बुशरा बेगम है और मैं मुर्शद के शायद आपके काबिल नहीं हूं। और दूसरी बात, देखें सरदारी निजाम ये पुराना निजाम, ये इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक खानदानों के अंदर पॉलिटिक्स रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान बदल रहा है मेरी नजर में वो वक्त दूर नहीं है जब ये सारी बरादरियां खानदान सब कुछ पीछे रह जाएंगे, मेरिट सिर्फ आगे आ जाएगी जो जमहूरियत होती है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमारी जमहूरियत को कभी देर तक चली नहीं है, अगर जमहूरियत चलती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आवाम खुद ही उन लोगों को सामने लेके आएंगे जो मेरिट पे हैं। हमारी जमहूरियत रुक जाती आदि में जाके, मार्शल लॉ आ जाता है फिर से शुरू होती है, तो वो सिस्टम जिसमें सफाई होती है जमहूरियत की तरीके से वो सफाई नहीं हुई अभी तक। लेकिन जो अब मैं देख रहा हूं और ये पहली दफा पाकिस्तान में देख रहा हूं मैं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मेरिट ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, नजरिया ऊपर आ जाएगा, ये खानदानी पॉलिटिक्स ये जो जिसे आप कहते हैं कि ये जो फर्जूदा निजाम बेस हुआ हुआ है वही, ये दो खानदान जो शरीफ और भुट्टो और इनके नीचे भी खानदान चले आ रहे हैं जिसमें मेरिट कोई नहीं है। जमहूरियत ने बादशाह को क्यों हराया, क्योंकि बादशाह के अंदर मेरिट नहीं थी। जमहूरियत जितनी बेहतर जमहूरियत उतनी मेरिट होती है उस सिस्टम में, इसलिए वो आगे निकल गई और इंशाल्लाह
हमारी अब पूरी कोशिश है कि जमहूरियत के सफर में आहिस्ता आहिस्ता ये जो बेहतर करेगा, जो पब्लिक चाहेगी, मेरिट के ऊपर वो लोग आएंगे, और जो जो पुराना निजाम बना हुआ है ये खुद आपकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाएगा। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।